हेलो, हम लोग को यहाँ पे क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड माइनस हाफ अगर है देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस टू जेड क्या होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम लोग को जो दिया गया है वो हम लोग ने लिख लिया एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। ठीक है, इसको हमने क्या करा, एलसीएम ले लिया, टू टू इधर आ गया प्लस टू जेड स्क्वायर। ठीक है, सेम एज इट इज़ हमने यहाँ पे भी एलसीएम ले लिया। ठीक है, टू एक्स वाई माइनस टू वाई जेड प्लस टू जेड माइनस वन डिवाइड बाई टू, टू से टू क्या हो गया, कैंसिल हो गया, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। अब हमने क्या करा, वाई स्क्वायर को फिर से स्प्लिट कर दिया वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में, सेम एज इट इज़ जेड स्क्वायर को भी स्प्लिट कर दिया जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर में, और जो लेफ्ट साइड जो थी, जो राइट साइड थी, उसको लेफ्ट साइड में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि टू एक्स वाई को माइनस इधर ले आए, तो माइनस टू एक्स वाई माइनस टू वाई जेड माइनस टू जेड प्लस, ये माइनस वन था तो दिस इज़ प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमने रीअरेंज कर दिया है वर्ड्स को जितने भी हमारे थे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई हो गया, दूसरा ब्रैकेट हो गया वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू वाई जेड हो गया, और थर्ड ब्रैकेट हो गया जेड स्क्वायर प्लस वन माइनस टू जेड हो गया इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमें क्या नज़र आ रहा है, ये हमें x माइनस वाई का होल स्क्वायर नज़र आ रहा है, y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो के फॉर्म में हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि कोई भी तीन टर्म, अब मान लीजिए ये x की कुछ भी वैल्यू हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, या सपोज दैट x माइनस वाई की वैल्यू ही नेगेटिव आ जाए। ठीक है, अगर ये कोई भी वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है तो उसका स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो कोई भी ऐसे, ये भी टर्म भी पॉजिटिव होगा और थर्ड टर्म भी पॉजिटिव होगा, ये तीनों टर्म ही क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। यानी कि अगर तीन पॉजिटिव टर्म का सम अगर हमें ज़ीरो लाना है तो ये केवल एक ही कंडीशन में पॉसिबल है कि ईच टर्म शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। तो यानी कि x माइनस वाई भी हमारा क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो, तभी ये ज़ीरो हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। ठीक है, चाहे x और y की कोई भी वैल्यू हो। ठीक है, तो इसका मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, सेम एज इट इज़ y माइनस जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, एंड सेम एज इट इज़ z माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या करा, इनको ज़ीरो पुट कर दिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, y माइनस जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, z माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इससे हमें क्या मिल गया, x इज इक्वल टू y, यानी कि x y के बराबर है, सेम एज इट इज़ y z के इक्वल है और z 1 के इक्वल है। इसका मतलब ऑल थ्री टर्म्स आर इक्वल, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z, एंड ईच टर्म इज इक्वल टू 1, यानी कि हर एक की वैल्यू क्या है, 1। अब हमें एक्चुअल में फाइंड किसकी वैल्यू पता करनी थी, x प्लस वाई माइनस टू जेड की वैल्यू पता करनी थी। तो x की जगह हमने 1 रख दिया, y की जगह भी 1 रख दिया, z की जगह भी 1 रख दिया, तो 1 प्लस 1 इज 2, माइनस 2 कितना आ जाएगा, 0। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। थैंक यू।